आपके साथ। चलिए झटपट बना लेते हैं हम उपवास की टिक्की। ये राजगिरे का आटा है, एक बड़ा कटोरी भर के हमने, बड़ा बाउल भर के लिया है। इसी के साथ हमने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं, जिसे हमने बॉईल करके छील के इस तरह मैश करके रख लिए। उन आलुओं को भी हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे, पूरा आलू। और इसी के साथ हमने कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च ये रखा है, इसे डाल देंगे। इसी के साथ हमने सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर रखा है, इसे भी डाल देंगे हम। और क्या करना है, इसे हमने बिल्कुल हल्के हाथ से मल लेना है। जरूरत पड़ी तो ही हमने पानी का छींटा देना है, नहीं तो ये इसी तरह मला जाएगा। जीरे का आटा, आलू, सब बहुत बढ़िया हमारा ये रेडी हो गया डव। अब हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने आ रहा है, बस इसे जो साइज की चाहो आप टिक्कियां बना सकते हो। इस तरह से हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे, कुछ मीडियम साइज की। इस तरह से बना बना के टिक्की को हम इसमें लगा देते हैं फ्राई होने के लिए। गैस को थोड़ा हमने सिम रखना है, ज्यादा तेज नहीं रखना है गैस। तो बस हमने ये इसी शेप की, इसी साइज की सारी टिक्कियां बना के रख देनी है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए इसने तवे को छोड़ दिया, मतलब ये एक तरफ से ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसे भी हम चेक कर लेंगे, देखिए ये भी एकदम ब्राउन हो गई है। बस सारी पलट के हम बना लेते हैं फटाफट। क्रिस्पी हमारी फास्ट की टिक्किया बन के रेडी है। गैस को बंद कर दिया, अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर हम उपवास की टिक्कियां बन के रेडी है। बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है, बारिश चालू हो गई है, काफी ठंडी हवा आ रही है। ऐसे में गर्मा गर्म इस तरह से बनाइए, एंजॉय कीजिए। बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही हेल्दी रेसिपी में आपको मिलती रहेगी नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद।